सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का सोमवार को 85वीं जन्मदिन था। इस मौके पर उन्हें दुनिया भर से बधाई संदेश मिले। अमेरिका ने भी दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही अमेरिका ने भारत का शुक्रिया अदा किया क्योंकि दलाई लामा 1959 से भारत में ही रह रहे हैं। चीन के द्वारा तिब्बत में दमन शुरू करने के बाद 1959 में दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ भारत आ गए थे। तब भारत ने करीब 2.25 लाख तिब्बतियों को शरण दी थी। तब से दलाई लामा भारत में ही रह रहे हैं। हालांकि चीन इस बात से काफी खफा है और अब अमेरिका भी पूरी तरह से दलाई लामा के समर्थन में आ गया है। तभी उनके जन्मदिन के खास मौके पर अमेरिका ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण एशियाई विभाग ने अपनी ट्वीट में लिखा कि दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिन्होंने दुनिया में शांति का संदेश फैलाया। वो तिब्बतियों के संघर्ष का प्रतीक है। हम भारत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1959 से ही दलाई लामा और तिब्बतियों को शरण दी। गौरतलब है कि अमेरिका के बड़े सेनेटर और अधिकारियों ने दलाई लामा को बर्थडे विश किया। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों, हस्तियों, नेताओं ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अभी ट्विटर पर कोई बधाई संदेश नहीं दिया गया। आपको बता दें कि चीन आज भी दलाई लामा को अपना दुश्मन ही मानता है और कई दफा भारत के साथ दलाई लामा की करीबी देखकर उसे दिक्कत होती है। अब जब चीन और भारत में विवाद चल रहा है, ऐसे में दलाई लामा के संदेश पर हर किसी की नजरें टिकी थी। तिब्बत अभी भी चीन के दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। वहाँ एक स्थानीय सरकार चलती है लेकिन चीन ही उसे सुपर रूल करता है। अमेरिका के समर्थन से कहीं ना कहीं चीन भी चिंता में जरूर आ गया होगा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।